जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके फौजी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर आज मैं आप सभी भाइयों के लिए यहाँ पर इंडियन आर्मी 1600 मीटर रनिंग के यहाँ पर कुछ टिप्स यहाँ पर लेकर के आया हूँ। जो भी भाई यहाँ पर इंडियन आर्मी रनिंग के यहाँ पर तैयारी करते हैं या फिर जो भी भाई यहाँ पर इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भाई यहाँ पर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखे, वहीं यहाँ पर वीडियो को बीच में स्किप ना करें, ताकि यहाँ पर जो भी पॉइंट यहाँ पर मैं बताऊंगा यदि अगर आप उन सभी को यहाँ पर फॉलो करते हो तो आप यहाँ पर इंडियन आर्मी रनिंग है वो यहाँ पर आसानी से क्लियर कर पाओगे, इसीलिए आप वीडियो को यहाँ पर बीच में स्किप ना करें। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं इंडियन आर्मी के कुछ टिप्स जो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। तो सबसे पहला यहाँ पर टिप्स जो है, जो भी यहाँ पर इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं यदि अगर उनका यहाँ पर फिजिकल है तो सबसे पहले यहाँ पर यदि अगर आपका फिजिकल है तो आपको फिजिकल के 3 दिन पहले आपको यहाँ पर रनिंग है वो यहाँ पर करना बंद कर देना है, और जिससे यहाँ पर आपकी जो मांसपेशी का खिंचाव है वो यहाँ पर शरीर का थकान है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। वहीं यहाँ पर यदि आप रनिंग ग्राउंड पहुँचते हो तो उससे पहले यहाँ पर आपको 1 दिन पहले आपको जो है हल्का भोजन यहाँ पर आपको करना है। वहीं यहाँ पर आपको सोने से पहले अच्छे से कम हल्का भोजन करके सोना है। वहीं सुबह उठने के बाद आपको 1 गिलास पानी पीकर अच्छे से यहाँ पर फ्रेश होना है। वहीं 1 दिन पहले आपको जो शाम के समय है वो यहाँ पर अच्छे से ब्रश करना है। वहीं सुबह के समय भी यहाँ पर आपको अच्छे से ब्रश करना है, इससे आपके मुंह में यहाँ पर पानी की कमी नहीं होगी, वो रनिंग करते समय पानी की यहाँ पर कमी होती है तो वो यहाँ पर नहीं होगी। वहीं यहाँ पर बात करें शूज को लेकर, तो यहाँ पर शूज जो होते हैं वो भी यहाँ पर एक अच्छे क्वालिटी के यहाँ पर होने चाहिए। आप सबको यहाँ पर पता होगा कि जब आपके पैरों में देखकर अच्छे शूज रहेंगे, हल्के वजन के यहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पर आपका जो समय है वो भी यहाँ पर कम लगेगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े एथलेटिक्स जो भी रनिंग खिलाड़ी है वो सब यहाँ पर एक अच्छे यहाँ पर शूज पहनते हैं, ना कि नंगे पैर यहाँ पर दौड़ते हैं। तो यहाँ पर शूज जो है वो अच्छे यहाँ पर रखने चाहिए। वहीं यहाँ पर बात करें जुराब की, तो जुराब भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे होने चाहिए। यदि अगर आपके पास अच्छे जुराब है तो आपके पैरों में जब यदि अगर आप पसीना आएगा तो वहाँ पर अच्छे जुराब जो होते हैं वो यहाँ पर उनको सोस लेते हैं और आपके पैरों में जो है फिसलन यहाँ पर नहीं होती है। वहीं जब आप रनिंग करो तो आपके पास जो सबसे छोटा नेकर हो आप नेकर यहाँ पर होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम यहाँ पर आपको छोटे से छोटा नेकर यहाँ पर रनिंग करते वक्त यहाँ पर यूज करना है। वहीं रनिंग करने से पहले यहाँ पर आपको वार्म अप भी यहाँ पर कर लेना है, 10 से 15 मिनट पहले यहाँ पर आपको वार्म अप यहाँ पर कर लेना है, जिससे यहाँ ताकि यहाँ पर आपका जो शरीर है वो अच्छे से यहाँ पर खुल सके। रनिंग ग्राउंड जो है उसमें यहाँ पर सबसे आगे रहना है, और जो रनिंग ग्राउंड है उसमें यहाँ पर अंदर की तरफ आपको यहाँ पर खड़ा होना है। आपने देखा होगा कि कई विद्यार्थी ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर रनिंग ग्राउंड में पीछे खड़े होते हैं, इससे भी यहाँ पर आप जो है काफ़ी पीछे यहाँ पर रह जाओगे। जब उनके बराबरी करोगे तो आपको काफ़ी सारा समय यहाँ पर लग जाएगा। यदि अगर आप ग्राउंड में अंदर की तरफ की साइड नहीं दौड़ोगे और बाहर की तरफ दौड़ोगे तो बाहर वो अंदर के अंदर यहाँ पर आप जो है आपके लगभग बाहर की तरफ यदि अगर आप दौड़ते हो तो आपको यहाँ पर 10 से 15 मीटर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अंदर की तरफ ग्राउंड जो होता है वो 400 मीटर का होता है और जैसे जैसे बाहर की तरफ निकलोगे वैसे वैसे यहाँ पर आपको ज़्यादा दूरी यहाँ पर तय करनी पड़ेगी। यदि अगर आप बाहर दौड़ोगे तो आपको यहाँ पर 40 से 80 मीटर यहाँ पर ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, इसीलिए आप अंदर की तरफ ही पूरे चारों चक्कर यहाँ पर हो सके तो यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करें। जब आप अंदर की तरफ लगोगे तो आपको यहाँ पर जो शुरू के 70 मीटर जब राउंड स्टार्ट होगा तो पहला जो राउंड उसमें 70 मीटर यहाँ पर आपको थोड़ी गति से यहाँ पर खींचना होगा, ताकि यहाँ पर आप जो है पीछे के बंदे से यहाँ पर अच्छा गैप यहाँ पर बना सको और यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी आपको टच ना हो सके। तो यहाँ पर यह भी बात आपको ध्यान रखना है कि मेरे को शुरू के जो 70 मीटर है 70 से 80 मीटर यहाँ पर मेरे को यहाँ पर तेज यहाँ पर खींचना है, ज़्यादा तेज भी यहाँ पर नहीं खींचना है, नॉर्मल जो ताकत उसको लगा कर यहाँ पर आपको खींचना है। उसके बाद आपको जो आपके 3 राउंड तक आपको आसानी से, जब आप 70 से 80 मीटर यहाँ पर आप क्लियर कर लो उसके बाद आपको पूरे 3 राउंड तक आसानी से वो नॉर्मल यहाँ पर रनिंग करना है, जिस प्रकार से आपका स्टेमिना यहाँ पर ख़त्म ना हो सके इस प्रकार से आपको दौड़ना है और अपना स्टेमिना यहाँ पर बचा कर रखना है। जब आपका जो आखिरी राउंड चले तो उसमें आपको स्पीड खींचना यहाँ पर प्रारंभ कर देनी है। वहीं यहाँ पर जब आपके पास लास्ट में 100 मीटर जब आपको बचे तो उसमें यहाँ पर आपने जो स्टेमिना बचाया है उसको यहाँ पर पूरा यूज यहाँ पर कर देना है। वहीं जब आप रनिंग करो तो यहाँ पर आगे जो पंजा होता है उस पर अधिक से अधिक यहाँ पर दौड़ने की आप यहाँ पर अपना ध्यान रखें कि मेरे को यहाँ पर पंजे पर ही दौड़ना है, क्योंकि पंजे पर दौड़ने से अत्यधिक यहाँ पर रफ्तार जो है वो यहाँ पर अत्यधिक यहाँ पर कवरेज हो जाती है, जिससे आप यहाँ पर रनिंग जो स्पीड है वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पर रनिंग भी यहाँ पर
जो है वो यहाँ पर टाइमिंग काफ़ी कम लगता है समय रनिंग निकालने में। वही रनिंग स्टार्ट के आदेश का यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो अधिकारी लोग होते हैं यहाँ पर रनिंग जो स्टार्ट है उसके आदेश का यहाँ पर कंध पर अपने कान पर यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं सामने जब आप रनिंग करोगे तो आपको नीचे झुककर जो है थोड़ा यहाँ पर झुककर आपको रनिंग में यहाँ पर दौड़ना होगा। वहीं यहाँ पर पंजों के बल यहाँ पर आप दौड़ोगे तो आप यहाँ पर रनिंग जो है उसमें यहाँ पर टाइमिंग काफ़ी कम यहाँ पर लेकर के आओगे और आसानी से आप यहाँ पर रनिंग जो है वो यहाँ पर क्लियर कर पाओगे। यदि अगर आप इन सभी टिप्स को यहाँ पर अपनाते हो तो यहाँ पर मेरी 100% गारंटी आप 1600 मीटर यहाँ पर जो आर्मी रनिंग है वो यहाँ पर आसानी से क्वालिफाई यहाँ पर हो जाओगे और यहाँ पर जो है आपका इंडियन आर्मी का जाने का सपना है वो यहाँ पर पूरा कर पाओगे। जय हिंद, जय भारत। यदि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर कर दें।